Social Justice Minister Thawarchand Gehlot has denied any vendetta politics in his ministry's proposed move to act against the NGO of former UPA Minister Salman Khurshid. The Social Justice Ministry had earlier recommended a CBI inquiry into allegations of embezzlement against an NGO run by Salman Khurshid. We have with us the Minister himself, Mr. Thawarchand Gehlot. Mr. Minister, sir, the manner in which in the last government, sir, एक NGO को लेके बहुत issues उठे थे. वो NGO थी former UPA minister सलमान खुर्शीद की wife की और उसमें उनका भी काफी active involvement था. So there are reports that you have आपने letter लिखा है sir law ministry को कि क्या इस पे CBI की inquiry हो सकती है. Is this right, sir? ये बात सही है कि जिस NGO का प्रश्न आप पूछ रहे हैं, जी, उस NGO ने बहुत फर्जीवाड़ा किया है, भारी अनियमितता की है, फर्जी कागजात लगा करके अपनी योजना या प्रोजेक्ट स्वीकृत कराया है. इस मामले की हमारे विभाग की तरफ से जांच करवाई गई थी और जांच में ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस एनजीओ के पक्ष में किसी प्रकार की कोई रिकमेंड नहीं की, न कोई रिकमेंड लेटर लिखा. और जो लेटर एनजीओ की तरफ से यहाँ दिया गया था बाय हैंड, एनजीओ के व्यक्ति ने ला के दिया था, जबकि सरकार का लेटर तो सरकार के प्रोसीजर के हिसाब से आना चाहिए था. उस पर भी हमने जांच पड़ताल करवाई. उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हमने कोई पत्र नहीं लिखा है. और जो पत्र आया था उसको बताया उनको, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे द्वारा नहीं लिखा गया, हमारे किसी भी अधिकारी ने नहीं लिखा है, और जो हस्ताक्षर है वो भी गलत फर्जी वाला है. इसके साथ ही साथ जो पैसा उनको मिला उसका जो उपयोग उन्होंने करना बताया है उसकी भी हमने जांच की, वो भी फर्जी पाए गए. 9-10 जिलों में इस प्रकार की भारी अनियमितता थी. इसमें गंभीर अपराध बनता है, एक तो कागजी हेराफेरी, दूसरा धोखाधड़ी और तीसरा अमानत में खयानत. अब ये गंभीर मामला है. इस मामले की जाँच करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहाँ के आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को जांच करने का अधिकार दिया, जांच के लिए निर्णय किया. उस संस्था ने या उस एजेंसी ने अभी तक क्या किया हमारे पास कोई जानकारी नहीं. हमने अनेक बार प्रयास किया कि उन्होंने क्या किया है वो जानकारी दे दे. तो क्या बात, Be it a minister or be it not a minister, anyone who has erred has to face the law, has to move according to the law, and that's what is happening. The legal process is going on. Let's see as to what the result comes out. एक सही फैसले की बात समझ में आ रही है, क्योंकि सलमान खुर्शीद पर यह मसला तब हुआ था जब वो देश में विदेश मंत्री थे. करीब 2.5 साल का वक्त हो चुका है और अब तक न जाने कितने सबूतों को मिटा दिया गया होगा. लेकिन अगर अभी भी अगर सीबीआई की जांच ईमानदारी से होती है तो मुझे लगता है कि सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऑल आई कैन से इज दैट एनीवन और एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ इट फॉलोज द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ देयर इज नथिंग टू फियर. इफ रूल्स हैव बीन ब्रोकन इट इज फॉर द कंसर्न डिपार्टमेंट्स और द एजेंसी. They're speculative. He has said so. Has he become a minister responsible for CBI? What will the CBI do? Social Justice Mantri कौन है भारत सरकार के? थावरचंद गहलोत का बयान है या उनके प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद हैं?